दोस्तों एशिया कप के शुरू होने से पहले ही केएल राहुल अभी टीम से बाहर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि राहुल की जो चोट थी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है, इसीलिए टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने बताया कि केएल राहुल शुरुआत के जो दो मैच होने वाले हैं उसमें बाहर रहेंगे। अब फैंस को ये भी डर लग रहा है कि कहीं राहुल की चोट वर्ल्ड कप में खेल ना बिगाड़ दे, क्योंकि वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से होने वाला है और एशिया कप की शुरुआत आज 30 अगस्त से हो रही है। लेकिन यहाँ पर केएल राहुल हमें 2 सितंबर को होने वाले पाकिस्तान के मैच और 4 सितंबर को होने वाले नेपाल के मैच में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसी वजह से अभी पूरी इंडिया टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है, लेकिन केएल राहुल अभी तक श्रीलंका नहीं पहुंचे हैं। लेकिन एक बात यहां पर समझ नहीं आ रही है कि अगर केएल राहुल को फिजिकली फिट नहीं है और वो अभी भी उनको चोट लगी हुई है, फिर भी उन्हें टीम में क्यों खिलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी टीम के अंदर काफ़ी सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिन्हें मौका देने पर वो काफ़ी अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केएल राहुल को यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी की वजह से आगे रखा जा रहा है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि सिर्फ ये 2 मैच की बात है, इसके बाद में केएल राहुल फिर से यहाँ पर हमें बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और उनकी जगह पर ईशान किशन जो है उन्हें ऊपर आकर खेलने का मौका मिलेगा।